नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मुख्य परीक्षा, ठीक है, सबको इंतजार है कि कब होगी। ठीक है, मैंने थंबनेल में लिखा है कि 15 अक्टूबर के बाद होगी परीक्षा। कब होगी? 15 अक्टूबर के बाद। विभाग ने दिया इशारा, क्या इशारा दिया भाई? बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर के बाद होगी, ठीक है ना। विभाग ने दिया इशारा, क्या इशारा दिया है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर के बाद ही अब एग्जाम होगा, जो कि मेरे हिसाब से कईयों के लिए खुशी की बात भी है और कईयों के लिए दुख भरी बात भी है कि और माई गॉड, एक महीना और अभी तक एग्जाम का। एक महीना भी जरूर थोड़ी, एक महीने ही है, ज़्यादा भी हो सकता है। 15 अक्टूबर के बाद होगी, ऐसा तो नहीं है कि 15 अक्टूबर के बाद इस दिन होगी, तो एक महीना तो ये है, उसके बाद न जाने कितने दिन निकले। तो 15 अक्टूबर के बाद क्या होगा ये देखते हैं हम, देखो, है ना। विभाग द्वारा ये जो नोटिस है वो कल, आज 16 तारीख है, कल 15/9/2022 को जो है वो जारी किया गया था। 15/9/2022 को कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये की गई थी। और ये क्रियात्मक, आप देखिए यहाँ पे क्रियात्मक परीक्षा, अर्थात क्रियात्मक जो परीक्षा होती है उसका लिए टाइम टेबल है कि क्रियात्मक जो होता है प्रैक्टिकल, उसकी उसके एग्जाम की ये मतलब ये डीएलएड प्रथम द्वितीय परीक्षा 2022 के क्रियात्मक आयोजन का बाबत, ठीक है, 2022 को लेकर जो है क्रियात्मक प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में है, कब होगी। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, देखियो आपको पता होगा वैसे तो कि आगामी माह में होने वाली है एक महीना ना आयोजन, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण है ना का, आगामी माह अक्टूबर में दिनांक 6/10/2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक अपने अध्ययनरत संस्थान में होना है। संस्था प्रधान अपने संस्थान में अध्ययन सभी परीक्षा देने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। कहने का मतलब है कि 6 अक्टूबर से आपके जो है वो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, तो 15 तारीख तक चलेंगे। अब इससे इनके बीच तो एग्ज़ाम होने से रहे हैं आपके, रही पहले की बात, तो 20 तारीख तक आप मतलब कॉलेज में मतलब ये सेंटर सेलेक्शन करने पड़ेंगे, हमको नहीं करने हैं, ये वो कॉलेज की जिम्मेदारी है, वो करेंगे 20 तारीख तक। अब 5 दिन में टाइम टेबल जारी करके क्या आपको लगता है, उसके बाद मतलब 20 तारीख तक ये काम चलेगा, उसके बाद टाइम टेबल जारी करके एग्ज़ाम क्या 5 तारीख तक निपट लेंगे? 5 अक्टूबर तक नहीं निपटेंगे, उसके बाद 6 तारीख से एग्ज़ाम चलेगा आपको, 15 तारीख तक ये निपटेंगे, 15 तारीख तक काम करने के बाद उसके बाद तारीख भी बढ़ सकती है। कहने का मतलब ये विभाग ने इशारा कर दिया है मुख्य परीक्षा का कि एग्ज़ाम जो होगा 15 अक्टूबर के बाद ही होगा। अगर 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम चलते तो भी एक महीना और अभी तक, तो कहने का मतलब ये बहुत टाइम ले लिया इन्होंने, 17 बहुत लगभग खींच लिया है और तो कुछ नहीं। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तो ये एग्ज़ाम चलेंगे, क्या पता इनकी तारीख भी बढ़ा दे, उसके बाद टाइम टेबल जारी होकर वो एग्ज़ाम करवाएंगे। मेरे हिसाब से ये नवंबर में करवाएंगे, 15 अक्टूबर के बाद ही एग्ज़ाम होंगे, तो ये एक तरह का इशारा दे दिया इन्होंने। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। ओके, तो अब ये देखो इतना 17 लंबा खींच रहे हैं एसटीसी फर्स्ट ईयर का।